हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ इंडियन यूट्यूबर सलमा चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग होंगे सेफ एंड हेल्दी विद योर फैमिलीज। एंड आज मैंने कुछ अलग सा हेयर स्टाइल किया है, आप लोगों को देख के तो पता चल ही रहा होगा। एंड आज के ब्लॉग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से, एंड इवनिंग के अभी 5:30 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ आज एक अमेजिंग सा ब्लॉग शेयर कर लिया जाए। तो आज मैं 5:30 बजे से आप लोगों के साथ ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एंड सबसे पहले ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही आप लोगों के साथ मैं थोड़ा खाना पीना शेयर कर देती हूँ। मतलब इवनिंग स्नैक्स खाने की टाइम हो चुका है मेरा, एंड तो सोचा कि थोड़ा सा एक खाना पीना चटर पटर कर लूँ, देन उसके बाद इवनिंग वर्क करने जाऊँगी, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है एंड खाली पेट मुझसे कोई काम होता बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए सोचा थोड़ा सा खाना वाना खा लेते हैं, देन हम लोग चलेंगे छत पर। आप लोगों को भी मैं लेके चलूँगी, डोंट वरी विद दैट। तो चलो पहले देख लेते हैं कि मैं आज क्या खाने वाली हूँ, देन मैं आप लोगों को छत पर लेके जाऊँगी एंड अमेजिंग सा ब्लॉग शेयर करूँगी इवनिंग रूटीन के साथ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, मैंने सेव फल काट लिया है, मतलब एप्पल्स काट लिया है। एक मीडियम साइज़ का एप्पल मैंने काट लिया है। देन उसके बाद कुछ बिस्किट्स खा रही हूँ, जिसमें है क्रीम वाले बिस्किट्स भी हैं एंड पार्ले जी वाले भी कुछ बिस्किट्स हैं। तो चलो फिर इसे खा लेते हैं पहले। और मैं आप लोगों के सामने ऐसे बैठ के खा नहीं पा रही हूँ, तो इससे अच्छा है कि मैं कैमरे को बंद करती हूँ, जल्दी से फिनिश करती हूँ, देन मैं आप लोगों को छत पे लेके चलती हूँ। एंड और एक बात बता दूँ गाइस, अभी इवनिंग का टाइम है एंड वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि लंच के टाइम से ही बाबू चले जाता है मदर इन लॉ के घर में, तो इसलिए मैं अकेले ही छत पर जाऊँगी। बाबू को आप लोग देख नहीं पाओगे आज के ब्लॉग में, आई थिंक सो। देखते हैं, रात तक आता है तो वो ज़रूर शेयर करूँगी उसका थोड़ा सा झलक आप लोगों के साथ। तो तब तक मुझे ही आप लोग देख लो पूरे ब्लॉग में एंड एंजॉय करना आज का ब्लॉग भी। ये किसने पर्दा लगाया हुआ है? ये कौन सा पर्दा लगाया हुआ था? आसमान आज कितना साफ सुथरा। हाँ, आज ज्यादा बादल नहीं है ना? हाँ। कल अच्छे बादल थे ना, तो आसमान आज पूरा खाली खाली विदाउट एनी बादल लग रहे हैं ना, पूरा खाली है आसमान। पहले पानी पी लेती हूँ। सॉरी गाइस, तो मैं जस्ट अभी आई हूँ छत से एंड छत पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वॉकिंग किया, तो मैं ज़्यादा थक चुकी हूँ। एंड वहाँ बैठ के किसी के घर में मैं पानी भी नहीं पीती हूँ, तो घर में डायरेक्ट आके अभी जस्ट पानी पी रही हूँ। एंड अभी शाम के 8:30 बज चुके हैं। एंड हाँ, मुझे पता है कि दिया बत्ती टाइम हो चुकी है, एंड आप लोगों को तो पता है मैंने ब्लॉग में शेयर किया हुआ था कि हम लोग अभी कुछ दिनों से दिया बत्ती नहीं करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने दिया बत्ती का कोई मतलब हेडेक नहीं रखा, क्योंकि दिया बत्ती तो
होगी नहीं तो जल्दी जाके नीचे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अभी जस्ट आई हूँ एंड गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, फ़ैन मैंने ऑफ करके रखा है नहीं तो आवाज़ आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा पहुँचेगी। बन भी मैंने बुला लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। एंड आप लोगों ने देखा कि छत पर जाने से पहले मेरा हेयर स्टाइल कुछ अलग था एंड छत पर जाने के बाद हेयर स्टाइल अलग हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, जाने से पहले ही मैंने चेंज कर लिया था। मैंने आप लोगों को दिखाना मैं भूल गई थी क्योंकि उस हेयर स्टाइल में कुछ ज़्यादा ही अजीब मैं लग रही थी, है ना। यहाँ सिंदूर थोड़ा सा अजीब लग रहा था तो इसलिए मैंने जो हेयर स्टाइल है वो चेंज कर दिया। एंड अभी तो बन बना लिया एंड फुल स्लीव का मतलब 3/4 sleeves का मैंने कुर्ता पहना हुआ तो गर्मी भी लग रही है एंड वेदर भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म। तो आप लोगों के वहाँ वेदर कैसा है बताना गाइस। और एक बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि Q&A पसंद आया कि नहीं बताओ यार। Q&A पसंद आया हो तो और भी सारे क्वेश्चंस मुझे इंस्टाग्राम में पूछो। मैंने हैंडल उस ब्लॉग में भी ऐड किया था, आज के ब्लॉग में भी मैं स्क्रीन में ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ वहाँ पर्सनल DM कर सकते हैं, वहाँ पर मैं रिप्लाई भी करूँगी। साथ ही साथ आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स भी मैं ब्लॉग में पिक करूँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से यार Q&A करो, मुझे हर एक Q&A का आंसर करना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो आप लोग पूछो, मैं रोज़ रोज़ आंसर करूँगी आप लोगों के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछो ताकि मुझे मज़ा आए आप लोगों के साथ और भी अच्छे से बातें करने एंड साथ ही साथ आप लोगों को भी पता चल सके कि मैं हूँ कौन। क्योंकि मैं अनक से एक इंट्रोडक्शन वीडियो तो बनाया है नहीं तो इसीलिए Q&A करते रहो, मैं आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स देती रहूँगी। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा एंड मुझे भी अच्छा लगेगा। और एक बात गाइस कि शाम तो हो चुकी है, मैंने बताया 8:30 बज चुके हैं एंड डिनर करने की बारी है एंड डिनर बनाने की भी बारी आ चुकी है। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करके डिनर की तैयारी करते हैं। डिनर में क्या बनने वाला है आज मैं बता देती हूँ। आज बनेगी चने की सब्ज़ी एंड पूरी बनेगी। सुबह के पराठा बचे हुए हैं, सुबह के आलू की सब्ज़ी भी बची हुई है, मैंने गर्म करने बैठा के आई हूँ एंड दूध भी हाथों हाथ गर्म कर ले रही हूँ, सुबह का दूध है। एंड शाम को अभी हस्बैंड आएंगे तो दूध तो लेके आएंगे, वो भी दूध बच जाएगा। तो दूध हम लोग लाते तो है बट पीने वाले कोई नहीं है एंड चाय भी उतनी हमारी बनती नहीं है। बहुत कम ब्लॉग में आप देखते हो कि मैं चाय बनाती हूँ, है ना। अभी तो बहुत कम हो गया है चाय बनाना, पसीना बहुत आ रहा है। तो चलो मैं पहले फ़ैन चला लेती हूँ, नहीं तो बैठा बिल्कुल नहीं जा रहा है। थोड़ा सा आप लोगों को फ़ैन की आवाज़ आएगी तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, ठीक है। तो ओह अब जाके शांति मिली गाइस, फ़ैन की हवा मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है मुझे। गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त हो नहीं सकती है, होती नहीं है, फैक्ट ये है। एंड साथ ही साथ मुझे ना प्रेगनेंसी के टाइम ब्लड प्रेशर का मतलब केस आ गया था, ब्लड प्रेशर बढ़ गया था मेरा, तो उसके बाद से ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है मुझे एंड इसलिए मैं गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। गर्मी जो होती है ना जी घबराने लग जाता है मेरा। आप लोगों के साथ होता है कि नहीं बताना मुझे। एंड आप लोगों में से किसी का भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो तो ये सिम्टम्स होता है कि नहीं ब्लड प्रेशर में, वो भी मुझे कमेंट करके बताना, ओके गाइस। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करके मैं जल्दी से किचन में चलते हैं, आपको भी मैं लेके चलती हूँ एंड साथ ही मैं डिनर की तैयारी करते हैं। किचन थोड़ा सा मैसी है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। एंड पहले चने की दाल को जो है मैंने पहले से गला के रखे हुए थे तो वो ऐड कर देती हूँ। आपके साथ क्या मैं रेसिपी शेयर करूं कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है इसकी रेसिपी, फिर भी आप लोगों को देखना हो तो थोड़ा सा क्लिप मैं ऐड कर दूंगी आज के ब्लॉग में। एंड बहुत ज़्यादा सिंपली बन जाता है, टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनता है ये रेसिपी। तो चलो थोड़ा सा झलक आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूँगी। तो चलिए जल्दी से मैं थोड़ा सा इसे पानी ऐड करके नमक ऐड करके इसे प्रेशर कुक कर लेती हूँ एंड ऐसे अच्छे से गला लेते हैं इस वाले चने की। सब्जी है ना वो मैंने गरम कर लिया है, आलू चौचड़ी बनाया था मैंने बंगाली स्टाइल पे का, तो वो भी मैंने गरम कर दिया, थोड़ा सा ही बचा है एक ही इंसान के लिए, तो इसलिए मैंने चने की सब्जी भी बनाने की प्लानिंग कर ली है। एंड कुकर चढ़ा दिया है गैस पे, तो चने को उबलने देते हैं, तब तक ये हो चुका है तो गैस को कर देती हूँ मैं बंद
एंड अब इसे मैं उतार लेती हूँ एंड देन मैं मैदे की तैयारी करूँगी, मतलब पूरियों की तैयारी करूँगी। थोड़ी देर थोड़ी देर किचन में काम करने से ही ये हालत हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी बढ़ गई है एंड गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पे। एंड जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने मैदे को अच्छे से गूंद के रख दिया है एंड जब हस्बैंड एंड बाबू आएंगे तभी मैं गर्मा गर्म पूरियाँ बना के उनको खिला दूँगी एंड साथ ही साथ गोपाल जी को भी दे दूँगी। एंड चना भी हमारा पक रहा है, जैसे कि आप लोगों को बैकग्राउंड में तो थोड़ा नॉइज़ आ रही होगी कुकर की, तो उसको भी झटपट बन जाता है वो, तो उसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों को ब्लॉग में शेयर करूंगी। बट अभी थोड़ा सा मैं बाहर निकलने वाली हूँ क्योंकि रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है एंड बाहर थोड़ा सा टहलूंगी तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा एंड साथ ही साथ मुझे तो बिल्कुल मज़ा आने वाला है। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ बाहर चलिए, थोड़ा सा फ्रेश हवा खाते हैं हम लोग एंड फिर आके किचन में, तब तक हमारा जो चना है वो भी गल जाएगा, कुकर में अच्छे से कुक हो जाएगा, तब तक हम लोग बाहर घूम लेते हैं, फिर आके हम लोग रेसिपी शेयर करेंगी आप लोगों के साथ। मैं कौन है भूत? बाप रे, यार कॉपीराइट लग जाएगा। तो डिनर हमारा बन गया, मस्ती भी थोड़ी सी हो गई, देन उसके बाद हम लोग डिनर खाने बैठे हैं। जैसे कि देख पा रहे हो हम तीनों ही आज बैठे हुए हैं डिनर करने, क्योंकि बाबू मदर इन लॉ के घर से डिनर करके नहीं आया था।
एंड आज वो जल्दी भी आ गया था तो सोचा साथ में ही डिनर कर लेते हैं, एंड इसलिए उसकी फेवरेट की पूरियाँ भी मैंने बनाई हैं। एंड हस्बैंड ने भी बताया था कि वो पूरी के साथ ही चने खाने वाले हैं, तो इसलिए आज पूरियाँ बन चुकी है। एंड कभी कभार हफ्ते में एक से दो बार बन जाती है, इससे ज़्यादा तो हमारे घर में पूरियाँ बिल्कुल बनती नहीं हैं, क्योंकि ऑयली चीज़ है, उतने खाने में टेस्टी तो लगती है बट ज़्यादा खाने से भी बाद में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए हम लोग लिमिटेड में ही खाना पसंद करते हैं। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ आज का डिनर एंजॉय कर लेते हैं, और आपके घर में क्या डिनर में बना था वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग डिनर कर लेते हैं, देन मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो की खावा अच्छा एंड यहाँ हमारा डिनर खाना हो चुका था। एंड डिनर खाने के बाद आप देख सकते हो हमारे जो गायक है, सिंगर है, वो लगे पड़े हैं। उनका जो माइक है वो बना हुआ है बोतल, एंड बोतल को उनके सामने लेके वो गाना गा रहा है। एंड कुछ गाना गा नहीं रहा है, बस ऐसे ही कर रहा है। तो चलो हमारा डिनर भी हो चुका है। एंड गाइस, आप लोगों ने थोड़ा सा नोटिस किया कि नहीं बताना मुझे, कि आज का ब्लॉग जो है ज़्यादा मैंने वॉइस ओवर नहीं डाला हुआ है, म्यूज़िक में ही मैंने आप लोगों के साथ टोटल मेरा डिनर प्रिपरेशन शेयर किया। कैसा लगा आपको ये नया तरीका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही ब्लॉग में शेयर करूँगी, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा एंड मुझे भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फ्रेंकली स्पीकिंग सच बता रही हूँ। बट हाँ, अगर आप लोग बोलोगे कि ऐसे मज़े नहीं आए तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए मैं वॉइस ओवर ऐड करूँगी, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे। बताना मुझे कैसा लगा आप लोगों को।